त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए सोलन जिला प्रशासन पूरी तरह कमर कस चुका है। शहर में भीड़भाड़ ना हो और अतिक्रमण की समस्या पर भी लगाम लगाई जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीसी सोलन कृतिका कुलहारी ने बताया कि त्योहार सीजन को देखते हुए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने के लिए पुलिस विभाग को कहा गया है। साथ ही त्योहार के साथ साथ जिला में चुनाव भी हैं, ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था में भी पुलिस विभाग ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने को कहा गया है और हेडक्वार्टर में भी उनकी तैनाती की जाएगी। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में जो भी नागरिक खरीदारी करने के लिए बाजार आते हैं वे कोरोना नियमों का अवश्य पालन करें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले बढ़े थे, ऐसे में उसी बात का ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए ताकि मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। जी, सीजन के हिसाब से जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी भी रिक्वायरमेंट पुलिस ने भेज दी है। अब इलेक्शन और त्यौहार का सीजन दोनों को देखते हुए आई थिंक पीएचक्यू से एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय की जाएगी डिस्ट्रिक्ट में। और त्योहारी सीजन को लेकर मेरा लोगों से यही अपील रहेगी कि आई अंडरस्टैंड कि हम सबका मन करता है त्यौहार मनाने का और बाजार में जाने का, बट आप अगर जाते भी हैं तो प्लीज मास्क लगाएं और कोरोना के जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। हमें भूलना नहीं है कि पिछली बार भी त्योहारों और ऐसे सीजन के बाद भी कोविड की वेव आई थी। अक्टूबर में पिछले साल भी इट वॉज नॉट ए प्रॉपर वेव, लेकिन काफी ज्यादा केसेस बढ़े थे एटलीस्ट शिमला में। तो वो हमें इस बार रिपीट करने से बचना है कि दिवाली, दशहरा और ये जो नवरात्रे हैं इनके बाद में कोविड ज़्यादा फैले, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन रखें बिकॉज कोविड को भी हम पूरी तरीके से हरा नहीं पाएं। तो प्लीज़ मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाए रखें। इसमें हम जनरली एमसी के कार्यक्षेत्र में आता है तो हम उन्हें डायरेक्ट कर देंगे कि इस प्रकार का अगर अतिक्रमण कर रहा है तो उसका ध्यान रखें और अतिक्रमणकारियों को थोड़ा सा पीछे हटाते रहें ताकि आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा बनी रहे।